बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सभी के इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस आ रही हैं, और मैं यही मानती हूँ कि सबसे बड़ी जो इस बिलियन करने में जो सबसे बड़ा जिसका हाथ है वो जनता है, जिसने इतना प्यार दिया और 52 गज को बिलियन पहुँचाया। जिसकी उम्मीद भी नहीं थी उन कलाकारों ने मुझे बधाइयाँ दी हैं, जैसे कि गुलजार भाई हैं, खासा आला चार, और भी बहुत सारे जो कि हरियाणा के दिग्गज माने जाते हैं, उन्होंने बहुत सारा प्यार दिया और आशीर्वाद भी दिए बहुत सारे। और पूरी टीम की जो मेहनत थी हमारी वो सच में बहुत ज़्यादा रंग लाई है, तभी जाके ये बिलियन सॉन्ग हुआ है। सपना मैम की लाइन अलग है, मैं एक सिंगर हूँ और मैं उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ, उनकी बराबरी तो वो सच में मेरी आइडल है और बहुत प्यारी है नेचर में। बाकी एक कंपटीशन नहीं रख सकते हम कि आप उनसे आगे निकल रहे हो, आप उनसे पीछे हो, बस मैं तो यही चाहती हूँ कि सब साथ चले। आने वाले प्रोजेक्ट अभी मैं देसी रिकॉर्ड से आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक वाइट हिल से आएगा जिसका नाम है जाऊंगी पानी लेन में, और देसी रिकॉर्ड से आएगा जिसका नाम है कबूतर, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है, बट ये मेन जो मुझे मेरे फेवरेट है ये वो दो प्रोजेक्ट। नहीं, हर जगह फैंस हैं, राजस्थान में, दिल्ली में, यूपी में, हरियाणा और भी बहुत जगह, सभी बहुत सारा प्यार करते हैं। सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि एक तो पूरे इंडिया का सबसे फास्टेस्ट व्यूज़ हुआ है, जो सबसे तेज़ बिलियन व्यू हुआ है वो ये गाना है, और सबसे बड़ी बात है कि ये हरियाणा का गाना है। आज तक कभी हरियाणा का गाना कोई बिलियन नहीं हुआ, ये पहला सॉन्ग है जो कि बिलियन हुआ है, और बहुत खुशी मिलती है, जब बहुत प्राउड फील होता है। देखो, लोकल ये सब कुछ नहीं होता, बस मेहनत करते रहिए, और जिसकी चीज़ अच्छी है उसको प्यार मिलेगा ही, बस मेहनत करना मत छोड़िए। बाकी लोकल और हाई ये सब, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज हरियाणा का गाना बिलियन हो चुका है, तो पहले कई लोग इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देते थे, पर आज सच में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि जब इतना ज़्यादा प्यार मिलता है। देखो, किसी भी फील्ड में, चाहे सिंगिंग हो या फिर स्टडी के उसमें स्पोर्ट के, तो किसी भी फील्ड में अगर आप मेहनत करोगे और आप में एक जज्बा है कि आप वो चीज़ कर सकते हो, तो बस अपने सपने मत छोड़िए और मेहनत करना मत छोड़िए, बाकी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत खुशी मिलती है क्योंकि हमारे यहाँ से शायद ही कोई सिंगर होगी, पहली सिंगर मैं ही हूँ अपने यहाँ से, और बहुत खुशी मिलती है जब सब कहते हैं, पापा मम्मी को बहुत प्राउड फील होता है कि हमारी बेटी इतना अच्छा काम कर रही है, इतना अच्छा नाम कर रही है, तो बहुत खुशी मिलती है और सब बहुत ही सराहना करते हैं। देखो, सबसे पहले मेन चीज़ होती है लिरिक्स, तो जो लिरिक्स लिखे हैं वो मुकेश जाजी भाई ने लिखे हैं, जिनका गजबन सॉन्ग था, गजबन सॉन्ग भी उन्होंने लिखा था, और इसका म्यूज़िक किया था अमन जाजी भाई ने, और इसके डायरेक्टर हैं साहिल संधू भाई, और इसमें जो मॉडल थे जिसने फीचरिंग की है वो अमन जाजी भाई और प्रांजल दीदी थी, जो कि बहुत बहुत हिट जोड़ी रही है और बिलियन सॉन्ग दिया है, और देसी रिकॉर्ड लेवल से सॉन्ग आया था। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है हर चीज़ में, प्रमोशन में, मतलब सॉन्ग को आगे बढ़ाने में बहुत, पूरी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो तभी जाके सॉन्ग बिलियन हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा मेहनत की है हमारी जनता ने, जिन्होंने इतना सारा प्यार दिया और बिलियन सॉन्ग पहुँचाया। मैं सोचती थी कि पहले कि जब मैं, मतलब सॉन्ग हिट नहीं हुआ था, मैं एक नॉर्मल लड़की थी, कि जब कभी इनसे मिलूंगी तो पता नहीं कैसे क्या होगे, बट जब मैं आपको सीरियसली बताऊं, जब जैसे मैं गोविंदा सर से मिली, नवाजुद्दीन सर से मिली, तो एकदम डाउन टू अर्थ है, बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है, एकदम सीधे सादी ज़िंदगी जीते हैं, बिल्कुल हमारे जैसे नॉर्मल रहते हैं, और बात भी बहुत नॉर्मल करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं। अब आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का प्लान देखो, अभी ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है, बस आपकी दुआ रही तो जल्दी बॉलीवुड में मिलेंगे, अपने हरियाणा के साथ, अपने यूपी के साथ, अपने पूरे इंडिया के साथ। मैं हार डालूंगी, 52 गज का दाम पे।